सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट 15,000 रुपये है एंड 15,000 के प्राइस में आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मिल जाए, आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल जाए, इसके साथ साथ यहां पर आपको 5G वाला फीचर देखने मिल जाए, तो यहां पर आपके लिए 3 से 4 ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही अच्छा खासा कैमरा के साथ में आता है। एंड इस स्मार्टफोन से आप प्रो लेवल का कैमरा एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको एक लंबी बैटरी मिलेगी एंड आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और मुझे मोटिवेट कर दो। तो गाइज चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे इस लिस्ट का पहला स्मार्टफोन आता है ओप्पो K10 की ओर से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है एंड बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अभी रिसेंट में ओप्पो ने इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है। सो गाइज, सबसे पहले बात करूँ इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक का बिल्ड क्वालिटी दे रखा है। एंड वेट की बात करूँ 189 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड बात करो अभी इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें मिलता है आपको 6.59 इंच का आपको IPS LCD विद आपको 90Hz रिफ्रेश एंड आपको 600 निट्स के पीक बैठने। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी एक एवरेज दी गई है, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश दिया गया है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको स्मूथनेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एंड बात करो अभी इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का 4G प्रोसेसर दे रखा है जो कि 6 नैनोमीटर के चिपसेट पर आता है। एंड इस स्मार्टफोन में PUBG BGMI आप अच्छा खासा रन कर पाओगे, लेकिन आप हाई रिफ्रेश रेट पर आप गेम को नहीं खेल पाओगे, आपको यहाँ पर लैग ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन में आप डेली यूजेस के जितने भी एप्लीकेशन हो गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, आप अच्छा खासा रन कर पाओगे, कोई भी लैग ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। एंड बात करो इस स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की, तो आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है बैक पैनल में, जो कि आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड के साथ में भी आता है एंड आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो तीनों कैमरे की जो पिक्चर क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है। एंड ओप्पो का स्मार्टफोन कैमरा एंड म्यूजिक के लिए बहुत ही अच्छा खासा होता है एंड 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दे रखा है जिससे आप फुल HD में वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक। एंड अभी बात करो इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी एंड आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है जिससे आप 1 घंटे में इस स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर पाओगे एंड 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजिली इसमें स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। एंड अभी बात करो अदर फीचर में, USB Type-C का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.0 एंड आपको 3.5mm का जैक भी दे रखा है। इस स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है वो डिस्प्ले के हिसाब से एक एवरेज है, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी है एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी सही है। एंड अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। एंड अगर आपको चाहिए एक टॉप परफॉर्मेंस का 5G स्मार्टफोन जो कि आपको 15,000 से अंदर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आप ले सकते हो Realme 9 5G। बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन है एंड लुक वाइज स्मार्टफोन की क्वालिटी अच्छी दे रखी है। एंड बात करो डिस्प्ले को लेकर, तो प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक का बिल्ड क्वालिटी दे रखा है एंड ये स्मार्टफोन आपको 188 ग्राम का देखने को मिलता है। सो गाइस, बात करो अभी डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, तो 6.5 इंच का आपको IPS LCD विथ आपको 90Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको अच्छा खासा डिस्प्ले की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी खासी दे रखी है एंड ताकत की बात करूँ तो MediaTek का Dimensity 810 का 5G प्रोसेसर दे रखा है, 6 नैनोमीटर के चिपसेट पर आता है। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है एंड इस स्मार्टफोन में आप 5G नेटवर्क का मजा ले पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पर PUBG हो, BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, आपको कोई भी लैग ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ये एक चाइनीज प्रोसेसर है, तो लैग का सिस्टम नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ इस स्मार्टफोन में थोड़ी बहुत आपको हीटिंग इशूज देखने को जरूर मिलेगी। एंड अभी बात करूँ इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है बैक पैनल में जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद आपको अल्ट्रा वाइड के साथ में आता है एंड आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो फुल HD में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर जो बैक कैमरा है वो अच्छा खासा वर्क करता है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छी होगी तभी यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी आपको वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगी। एंड अभी बात करो इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है जिससे आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड अभी बात करो इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी एंड आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है, तो ईजिली आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ये स्मार्टफोन 2 घंटे में फुल चार्ज करके देगा। तो थोड़ा सा स्मार्टफोन का जो चार्जर है वो काफ़ी स्लो है, लेकिन आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड अदर फीचर में आपको USB Type-C का सपोर्ट दे रखा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.1 एंड आपको 3.5mm का जैक भी दे रखा है। बाकी स्मार्टफोन की क्वालिटी अच्छी खासी दे रखी है एंड डिजाइन वाइज स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है एंड आपको साइड में पंच होल का डिस्प्ले दे रखा है। तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बाकी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो 14,999 के प्राइस पर, ये स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइज, अगर आपको चाहिए एक बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी वाला स्मार्टफोन, इसके साथ साथ गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिले
है तो यहाँ पर आप ले सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F23। अभी ये स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किया है एंड रिसेंट में लॉन्च किया है, तो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है एंड इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। सो गाइस, सबसे पहले बात करो इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो बिल्ड क्वालिटी जो दे रखा है वो प्लास्टिक फ्रेम का दे रखा है एंड उसको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासी दे रखी है। एंड बात करो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो 6.6 इंच का आपको TFT LCD मिलता है विथ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट एंड आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन, तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही बिल्कुल मिलता है एंड आपको कोई भी इस स्मार्टफोन में जो कलर है वो चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल ट्रूली कलर आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी बात करो इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G का 5G प्रोसेसर दे रखा है जो कि 8 नैनोमीटर के चिपसेट पर आता है एंड इस स्मार्टफोन में PUBG, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी को आप धुआंधार खेल सकते हो। आपको ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 वर्जन के साथ में आता है, तो बिल्कुल न्यू OS दे रखा है एंड आपको यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी के बाद जो प्रोसेसर भी दे रखा है वो 1 नंबर का दे रखा है। एंड बात करो अभी इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो 3 कैमरा दे रखा है बैकपन में। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल से आप 4K वीडियो 30 FPS से इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे एंड डिस्प्ले की क्वालिटी जो अच्छी दे रखी है एंड इस स्मार्टफोन की जो पिक्चर क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है। सैमसंग का स्मार्टफोन कैमरा के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है एंड डिस्प्ले के हिसाब से। अभी बात करो इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे को लेकर, तो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है जिससे आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS तक। एंड स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है वो बहुत ही एवरेज है, एक नॉर्मल सा है। एंड अभी बात करो बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी एंड आपको 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है। इजीली आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा एंड ये स्मार्टफोन 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज होगा। एंड अदर फीचर में आपको USB Type-C का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड आपको ब्लूटूथ 5.0 एंड आपको 3.5mm का जैक भी दे रखा है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी हो या फिर इसका कैमरा हो, बैक पैनल का वो बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है एंड प्रोसेसर तो 1 नंबर का दे ही रखा है। अब बाकी इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हो ICICI के कार्ड से, आपको 14,999 के प्राइस पर ये स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। बाकी अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो गाइज, अगर आपको चाहिए एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन जहां पर डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी मिल जाए एंड बैटरी बैकअप हो और परफॉर्मेंस नंबर 1 का देखने मिले, तो यहां आप ले सकते हो वीवो T1 5G। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है एंड लुक वाइज स्मार्टफोन 1 नंबर का दे रखा है। सो गाइज, सबसे पहले बात करो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें मिलता है आपको 6.58 इंच का आपको IPS LCD विथ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड 120Hz का जो रिफ्रेश रेट दे रखा है इसमें स्मार्टफोन में स्मूथनेस 1 नंबर का देखने मिलेगा। एंड बात करो इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर को लेकर, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 का 5G प्रोसेसर दे रखा है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर आता है एंड इस स्मार्टफोन में PUBG BGMI बहुत ही अच्छा खासा खेल सकते हो एंड फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा खासा इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस है। एंड बात करो इस स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है बैकवेल में। जी हां दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, तो तीनों कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है एंड इसका 50 मेगापिक्सल के कैमरे में आपको वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाएगा, तो कैमरा की क्वालिटी 1 नंबर का दे रखा है एंड आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, तो इस स्मार्टफोन की कैमरा के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा खरीद सकते हो। बात करो अभी इस स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी एंड आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है लेकिन चार्जर काफ़ी स्लो है इस स्मार्टफोन में, मिनिमम जो है 33W का चार्जर तो देना ही चाहिए कंपनी को। एंड बात करो अभी इस स्मार्टफोन के अदर फीचर में, USB Type-C का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने मिलता है एंड आपको 3.5mm का जैक भी दे रखा है, बाकी ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी दे रखी है, आप खुद देख सकते हो इस स्मार्टफोन का जो लुक वो है, इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा है एंड बाकी देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी 1 नंबर का दे रखा है। बाकी 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो आप इस स्मार्टफोन को इजीली बाई कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिहाज से। बाकी इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हो 14,990 के प्राइस पर फ्लिपकार्ट से। अभी आप बताओ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट लगा एंड आप कौन सा फोन परचेस करने वाले हो। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और मुझे मोटिवेट कर दो। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।